बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि यूट्यूब पर वीडियो बना बना कर अपलोड कर करके थक गए हैं और उनकी वीडियोस पर व्यूज़ कितने हैं, 5 और 10 और 15, इससे ऊपर उनकी वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आती। तो वो वीडियो गलत तरीके से अपलोड करते हैं। वीडियो को अपलोड करने का सही तरीका क्या है, मैं आप भाइयों को आज इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हर न्यू आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो को आप भाइयों ने ज़रा सा स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, ताकि आप भाइयों को अच्छे से समझ आए। क्योंकि कुछ भाई ऐसे करते हैं कि वीडियो उनकी किसी और टॉपिक पर होती है और वो क्या करते हैं, वो वैसे ही अपलोड कर देते हैं, कुछ भी नाम वो थंबनेल अच्छा क्रिएट करते हैं और दूसरे नंबर पर वो जो डिस्क्रिप्शन होती है, हैशटैग होते हैं, टैग्स क्या होता है, उनको इनके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता कि ये कैसे लगाने हैं और कहाँ से लेने हैं। मैं आप भाइयों को इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा। मैं आ गया अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए वायर टूल। वायर टूल ये आपको कहाँ से मिलेगा, आपको ये इजीली प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर आपको ये मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर आएंगे तो प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर आप, मैं आपको सर्च करा देता हूँ वायर टूल। जैसे मैं वायर टूल सर्च करता हूँ तो आपके पास ऊपर ही आ जाएगा। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद और आपके पास दूसरी एप्लीकेशन कौन सी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए नोट पैड। इधर आप सर्च करेंगे नोट पैड। जैसे आप नोट पैड या नोटबुक करेंगे तो आपके पास ऊपर ये आ जाएगा पैड, ऊपर ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप भाई कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। इसका क्या बेनिफिट होता है ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आपकी वीडियो किस टॉपिक पर है, आप वीडियो किस टॉपिक पर अपलोड कर रहे हैं, पहले आप आइयों ने ये चीज़ नोट करनी है। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन है और जो टैग्स हैं और जो थंबनेल और जो थंबनेल्स और जो कीवर्ड हैं, वो आपने ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड ही लगानी है। भाई ऐसे करते हैं, वीडियो आपकी कुछ और होती है और टैग्स वगैरह नीचे आप भाइयों ने कुछ और किया होता है, मिक्सअप किया होता है, ऐसे आपकी वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आते। दूसरी बात ये, जब आप अपनी वीडियो अपलोड कर देते हैं, ना आप थंबनेल अच्छा क्रिएट करते हैं, ना उस पर टैग्स लगाते हैं, ना आप उसमें डिस्क्रिप्शन लगाते हैं, तो फिर यूट्यूब वाले आपकी वीडियो आगे कैसे भेजेंगे। भाई जब आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, टैग्स लगाएंगे, जो भाई सर्च करेगा और आपकी वीडियो अगर उसके रिलेटेड हुई तो आपकी वीडियो टॉप पर आएगी। टॉप पर नहीं अगर आती तो अप टू नेक्स्ट पर ज़रूर आएगी। अब मैं आप भाइयों को बताता हूँ कि आप भाइयों ने क्या करना है, जो आप वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड कैसे करनी है। चलें, मैं आप भाइयों को ज़्यादा टाइम मज़ीद वेस्ट नहीं करूँगा। आप भाइयों ने क्या करना है, आ जाना है सबसे पहले यूट्यूब पर। ठीक है, आप भाइयों ने यूट्यूब ओपन कर लेनी अपनी। ठीक है, मैं आप भाइयों को दिखा देता हूँ आप किस पर वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड या फिर किसी और चीज़ के रिलेटेड। मैं इधर कर देता हूँ ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान। ठीक है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, इधर लिखना ऑनलाइन, ये ऊपर आ गया ऑनलाइन, इधर लिखना अर्निंग। ठीक है, जैसे कि ये आप चेक कर सकते हैं, ये नीचे कीवर्ड आ गए हैं, ये वो वाले कीवर्ड हैं जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं, होम पेज पर चल रहे हैं, टॉप पर चल रहे हैं, ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं। आप भाइयों ने क्या करना है, इसका ले लेना है स्क्रीनशॉट। जैसे कि मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आपने सेव कर लेना है और फिर यहाँ पर क्या करना है, ऑनलाइन अर्निंग इन। उसके बाद आप भाइयों ने क्या करना है, और इस तरह के स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, दो तीन ले लेने हैं। जैसे ये दो तीन स्क्रीनशॉट आपने ले लिए, अब लेने के बाद आप भाइयों ने बैक आ जाना है। अब क्या करना है आप भाइयों ने, मैंने आपको बताया कि आप भाइयों ने नोट पैड डाउनलोड करना है। नोट पैड जो आप भाइयों ने डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है, मैं आ जाता हूँ इधर गूगल पर। तो यहाँ पर इसकी क्रोम गूगल पर आ जाता हूँ। गूगल पर आने के बाद ये नीचे इसका कैमरा होगा, ये स्क्रीनशॉट, इसका ये काम होता है कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, अगर आप लिख नहीं सकते तो ये इसको कॉपी में कन्वर्ट कर देता है, टेक्स्ट को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब मैंने इसको क्या करना है, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने अब क्या किया, मैंने इसको अब कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब मैंने क्या करना है, मैंने आ जाना नोट पैड में। नोट पैड मैं आप भाइयों को दिखा भी देता हूँ, जो कि हमने पहले डाउनलोड किया, मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है नोट पैड।
ठीक है, इस पर जैसे हमने क्लिक करना है, यह आप भाइयों को शुरू शुरू में दिक्कत होगी, बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियोस वायरल हो, उस पर अच्छे से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, तो आपको अपनी डिस्क्रिप्शन टैग्स और कीवर्ड अच्छे करने पड़ेंगे आपकी वीडियो के रिलेटेड। ठीक है, जैसे मैं प्लस वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ, जो हमने लिया है, तो मैं इसको इधर सेव कर देता हूँ। यहाँ पर हमने इनको क्या करना है, तरतीब दे देनी है, जैसे कि मैं दे रहा हूँ। आप भाइयों ने भी इसी तरह तरतीब दे देनी है। ओके, इसी तरह आपने जो हमने स्क्रीनशॉट वहाँ से लिया है, उसको यहाँ पर लाकर सेव कर देना है। ठीक है, आप सेव कैसे करना है, अब मैं यहाँ पर बैक करता हूँ। जैसे मैंने बैक किया, आप ऊपर चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग इन ये आ गया। अब इसी तरह आप भाइयों ने अपने जो कीवर्ड्स हैं वो सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, जो आप स्क्रीनशॉट लेंगे, जैसे कि मैंने लिया, उसको लाकर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जो दूसरा स्क्रीनशॉट है, उसको भी बिल्कुल सेम इसी तरह कर लेना है। नीचे मैं आप भाइयों को चेक करवा देता हूँ कि जो मैं करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ। मैं आप भाइयों को ये चेक करवा देता हूँ कि मैं जो अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ, वो कैसे कीवर्ड सेलेक्ट करता हूँ, ये आप नीचे चेक कर सकते हैं। मैंने इनको ऑलरेडी तरतीब दी हुई है। मेरी वीडियो जिसके रिलेटेड होती है, मैं उसके रिलेटेड बनाकर इधर सेव कर लेता हूँ। जब वीडियो अपलोड करता हूँ, तो मुझे परेशानी पेश नहीं आती, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके अपने कीवर्ड सेलेक्ट किए होते हैं और बनाया होता है। तो वीडियो जब अपलोड करता हूँ, तो ईजिली यहाँ से उठाकर वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो इसी तरह आप भाइयों ने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आप भाइयों ने क्या करना है, ये कि मैंने आप भाइयों को बोला है कि वाई टूल का क्या बेनिफिट है, मैं आपको ये भी चेक करवा देता हूँ। अब मैं आ गया YouTube पर अगेन। जैसे ही मैं YouTube पर अगेन आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान पर सिलेक्ट करता हूँ। अब आप भाइयों ने चेक करना है कि टॉप पर वीडियो कौन सी है, जो टॉप पर वीडियो जा रही है। आप भाइयों ने चेक करना है कि टॉप पर वीडियो कौन सी है भाई, जैसे कि ये है। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसका जो लिंक है, हमने इसके लिंक को कॉपी करना है। ठीक है, जैसे मैंने इसकी वीडियो को ओपन कर लिया, अब ये शेयर पर आ गई। शेयर पर आने के बाद ये नीचे आ रहा है, कॉपी लिंक करना है। कॉपी लिंक करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब आ जाना है वाई टूल का ये बेनिफिट होता है कि जो इसने अपने कीवर्ड चुन के लगाए हैं, वो आप इसके यहाँ से निकाल सकते हैं। ऊपर आ गया, यहाँ पर आपने क्या करना है, जो हमने कॉपी लिंक किया इधर ला के इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद इसको गो कर देना। जैसे हम इसको गो करेंगे, तो इसकी वीडियो पर जो इसका टाइटल होगा, जो इसके थंबनेल होंगे, जो इसके कीवर्ड होंगे, ठीक है, जो इसके हैशटैग होंगे, वो आ जाएंगे। अब हमने क्या सिलेक्ट करना है, इसके कीवर्ड कॉपी ऑल भी कर सकते हैं, और एक एक पर भी सिलेक्ट भी करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑल कर दिया। ऑल करने के बाद मैं आप भाइयों को चेक करवा देता हूँ। ठीक है, आप भाइयों ने वापस आ जाना। वापस आने के बाद फिर आपने क्या करना है, नोटपैड ओपन करना है। ठीक है, नोटपैड ओपन करने के बाद आप भाइयों ने फिर उसी प्रोफाइल में आ जाना है। आने के बाद नीचे आकर ऐसे इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप भाइयों ने इसे क्या करना है, पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आप भाइयों ने इसको भी यहाँ पर तरतीब देनी है। और तरतीब कैसे देनी है, ये जैसे कि ये कॉमा है, आपने कॉमे को यहाँ से रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद ऐसी तरह जैसे आपने ऊपर तरतीब दी है, इसी तरह आप भाइयों ने नीचे तरतीब दे देनी है। ठीक है, तरतीब देने के बाद अब आप भाइयों ने कर लेना इसी तरह से आप भाइयों ने अपने कीवर्ड्स सेलेक्ट करने हैं, अच्छे अच्छे करने हैं। और भाइयों को बहुत सारे भाई ऐसे जिनको ये नहीं पता कि टैग्स कैसे लगाते हैं, टैग्स क्या चीज़ है। सबसे ज़्यादा आपकी जो वीडियो वायरल होती है, वो टैग की वजह से होती है। अब वो कहाँ से लगाने हैं, मैं आप भाइयों को डिटेल के साथ बताऊँगा। बहुत यूट्यूब पर ऐसे भाई हैं, बहुत सी आपने वीडियो देखी होगी, लेकिन कभी किसी ने बताया नहीं होगा कि आपने टैग्स कैसे लगाते हैं। अब मैं आपको वो बताऊँगा। ठीक है, ये हमने सेव कर लिया। जिसके रिलेटेड आपकी वीडियो, आपने वही कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं और वही आपने डिस्क्रिप्शन में देने हैं। ठीक है, नोटपैड पर आकर आप इसे सेव कर सकते हैं इजीली। उसके बाद तीसरा काम क्या है, तीसरा काम ये है, यहाँ पर आप गूगल पर आ जाएं या क्रोम पर आ जाएं, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं क्या करना है, रैपिड टैग। ठीक है, जैसे कि रैपिड टैग, इस पर जैसे आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद ये जनरेट करता है, क्या करता है, जनरेट करता है कौन से टैग जो टॉप ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। मैं कर देता हूँ ऑनलाइन अर्निंग इन टिकटॉक। ठीक है, इस पर करने के बाद जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, आगे करता हूँ, ये आप चेक कर सकते हो जो मेन टॉप ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं, इसने मुझे वो कॉपी करके दे दिए इधर। अब मैं इसको भी कॉपी करता हूँ। यहाँ पर कॉपी करने के बाद अब मैंने इसको क्या करना है,
वहाँ पर जाकर नोट पैड में सेव कर लेना जो कि मैंने ऑलरेडी जहाँ पर मैंने सेव किया, ठीक है। इसको भी वहाँ पर जाकर आप भाई सेव करके तरतीब दे सकते हैं। अब मैं वहाँ पर मैंने आ गया, मैं आने के बाद ये मैंने अब क्या करना है, यहाँ पर ये जो हैश टैग है ना, ये जो आगे हैश टैग लगे इनको आप भाइयों ने रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद इनको आपने इसी तरह तरतीब दे देनी है। अब मैं मज़ीद और नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप भाइयों ने इसी तरह टाइम आपका लगेगा और आपकी वीडियोज़ पर व्यूज़ भी आएंगे और आप देखेंगे भी कि आपकी वीडियोज़ पर वाकई ही व्यूज़ आ रहे हैं। जो आपकी वीडियोस पर 5, 10, 15 व्यूज़ आ रहे हैं ना, तो आप ये काम करने के बाद आप भूल जाएंगे कि भाई वाकई आपकी वीडियोस पर अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। आप लोग सोचेंगे कि वाकई हम भाई मिस्टेक कर रहे थे वीडियो अपलोड करने में, कि हमने इतना अरसा यहाँ पर यूट्यूब पर लगाया और वीडियो अपलोड की, 5, 10 और 15 व्यूज़ से ऊपर व्यूज़ ही नहीं थे आ रहे। यह काम करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप भाइयों को गारंटी देता हूँ जो कि आपकी वीडियोज़ पर व्यूज़ होंगे वो हज़ारों की तादाद में आएंगे, ठीक है यहाँ पर। और उसके बाद अब भाइयों ने क्या करना है, ये कहना है कि जब आपने टैग्स कैसे लगाने हैं वो मैं ये बता देता हूँ। जब आप अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, आपको तो पता है कि आप अपनी वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, जब आप अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको मिसाल के तौर पर बता भी देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, बैक आने के बाद मैं यहाँ पर अपलोड तो नहीं करूँगा लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है। अपलोड वीडियो पर आ गया, जैसे मैं अपलोड वीडियो पर आता हूँ तो यहाँ पर मैं कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ छोटी सी, ठीक है। जैसे कि मैंने ये वाली सेलेक्ट कर ली, सेलेक्ट करने के बाद अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अभी मैंने वीडियो नेक्स्ट करने के बाद अब आप भाइयों ने क्या करना है, यहाँ पर आप भाइयों ने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना थंबनेल देना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने ये दे दिया थंबनेल लगाने के बाद, अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपने ऊपर जो लगाने के बाद अब आपने ऊपर टाइटल क्या देना है, ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड है, तो यहाँ पर आप ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड आप लिखें। जो आपने फिर कॉपी करके उधर नोट पैड में रखे है, आप नोट पैड में जाएं वहाँ से उसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इधर आके सबसे ऊपर आपने क्या करना है हैश टैग ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, हैश टैग ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन अर्निंग, इसी तरह से आपने 2-3 हैश टैग ऊपर लगा लेने। लगाने के बाद फिर आप भाइयों ने क्या करना है, एक लाइन पर से पेस्ट देने के बाद फिर ऊपर जाना है एरो के निशान पर, जो आपने ऊपर टाइटल दिया होगा ना उसको यहाँ से कॉपी करके, कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर इधर पेस्ट कर देना है, ठीक है। इधर पेस्ट करने के बाद फिर आपने एक और 2 लाइन स्किप कर देनी है, फिर इधर लिखना है इन दिस वीडियो पर लिखने के बाद फिर आपने एक लाइन स्किप कर देनी है, स्पेस दे देनी है। और जो फिर आप भाइयों ने टैग्स वगैरह उधर कॉपी करके रखे हुए ना, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आ गया अगेन इस पर, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद ये मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैं आ गया, कॉपी करने के बाद मैं फिर अगेन यूट्यूब पर आ गया। यूट्यूब पर आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब आप भाइयों ने वीडियो अपलोड कैसे करनी है, ये नीचे आ रहा है प्राइवेट पर नहीं करनी है, आपने करना है अनलिस्टेड पर आपने करना है। तो आप अपनी वीडियो को किस टाइम पर अपलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास डेट और टाइम भी आ जाएगा, आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ, आज 3 है तो मैं 3 बजे करता हूँ अपलोड, ठीक है। और कितने बजे, 6 बजे PM पर करता हूँ, या फिर ऊपर टाइम क्या हो रहा है, 1:12 हो रहे हैं, तो मैं कर लेता हूँ 1:15 पर, ठीक है। तो जैसे ही मैं ऐसे कर लेता हूँ, तो जैसे आप इसको टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे, करने के बाद अब आप भाइयों ने क्या करना है, नीचे अपलोड कर देना है। ये आपकी वीडियो यहाँ से अपलोड हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर तब अपलोड होगी यूट्यूब पर जो आपने टाइमर लगाया है। इसमें ये होता है कि आपको भाइयों को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, आप टाइम थोड़ा सा 15-20 ऊपर करके लगाएं। वो क्यों, क्योंकि आप भाइयों ने अब टैग्स लगाने हैं। टैग्स कहाँ पर लगाने हैं, ये बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि हम यूट्यूब पर अपनी वीडियोस के अंदर टैग्स कैसे लगाएं, जिसकी वजह से उनकी वीडियो टॉप ट्रेंडिंग में आती है। मैं आप भाइयों को अपनी भी वीडियोस दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है और मेरी वीडियो ग्रोथ भी कर रही हैं, और कुछ वीडियोज़ हैं जो कि मतलब मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे रही हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं कि मेरी वीडियो अभी ऊपर जा रही है। और आप भाइयों को मैं अपनी मज़ीद और भी वीडियो दिखा देता हूँ, आप उन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी वीडियो है, तो मैं आप भाइयों को ये भी चेक करवा देता हूँ कि मेरी वीडियोस पर कितने व्यूज़ हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, 11,300 के व्यूज़ है इस वीडियो पर, और वॉच टाइम इस पर कितना है, और इस पर वॉच टाइम कितना है आप ये भी चेक कर सकते हैं, और इस पर सब्सक्राइबर कितने हैं आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है।
आप भाई इसी तरह अपनी वीडियोस को वायरल कर सकते हैं। अगर मुझे अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है तो मैंने सोचा कि आप भाइयों के साथ मैं शेयर कर दूं। अब जो रही बात कि टैग्स कैसे लगाना है, टैग्स आप भाइयों ने आ जाना है क्रोम पर। क्रोम पर आने के बाद ऊपर आपने सर्च करना है वाई टी स्टूडियो, ठीक है, YTStudio.com, YTStudio.YouTube.com। तो यहाँ पर आपने लॉगिन पर कर लेना, ठीक है। जैसे आप लॉगिन पर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास भाई क्या होता है, यहाँ पर आप अपने टैग्स वगैरह नहीं लगा सकते, ठीक है। तो हमने जाना है क्रोम के अंदर जाकर, वहाँ पर आप अपनी वीडियोस पर टैग्स लगा सकते हैं। वो कैसे लगाने हैं वो मैं आप भाइयों को दिखा रहा हूँ प्रूफ के साथ। ठीक है, ये आ गया। अब हमने अपनी वीडियोस पर टैग्स कैसे लगाने हैं मैं आपको बताता हूँ। आपकी कौन सी वीडियो है आप उस वीडियो पर सिलेक्ट कर लें। अगर मेरी ये ऊपर वाली वीडियो है, ठीक है, मैं ऊपर वाली वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं आप भाइयों को दिखा भी देता हूँ कि मैंने टैग्स लगाए हैं और कैसे लगाए हैं। हैंग हो रहा है क्योंकि इसके अंदर डाटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे ऊपर आ रहा है आपके पास, आप किस वीडियो पर लगाना चाहते हैं जो कि आपने अभी अपलोड की है उस पर टैग्स लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को ओपन करता हूँ, ऊपर जो टाइटल है टाइटल पर क्लिक करता हूँ, ऊपर पेंसिल का निशान आ रहा है। तो आप भाइयों ने क्या करना है, पेंसिल के निशान पर ऐसे आ जाएगा, आपने नीचे आना है, स्क्रॉल करना है, नीचे शो मोड पर आना है। जैसे आप शो मोड पर आएंगे और इसको आप क्या करेंगे, नीचे मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप ये भाई चेक कर सकते हैं, ये ऊपर मैंने लगाया हुआ है टैग्स, ठीक है। ये टिकटॉक होस्ट एंड गेस्ट लॉक इन पाकिस्तान 2024, ये सारे इधर टैग्स हैं। ये आप भाइयों ने कहाँ से लगाने हैं, जो आपने अपने डिस्क्रिप्शन में चुन चुन के आपने भाइयों ने जो टैग्स निकाल कर जो कीवर्ड निकाले हैं, ये आप भाइयों ने वो यहाँ पर वो वाले पुट करने हैं जो के टॉप ट्रेंडिंग में है, और जो डबल ना हो, जो सिंगल जो डबल ना हो, वहाँ पर आप भाइयों ने सिर्फ चुन चुन के यहाँ पर लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सिर्फ 500 वर्ड आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आप इधर पेस्ट करने के बाद आपने आपके पास इधर ऊपर आ रहा होगा सेव का ऑप्शन, आप भाइयों ने यहाँ पर क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लगाए हुए हैं मुझे ज़रूरत नहीं है, आप भाइयों ने इसको कर लेना है सेव। सेव करने के बाद क्या होगा, जो आप भाइयों ने वीडियो अपलोड की होगी वो उसी टाइम पर अपलोड होगी जो आप भाइयों ने टाइम सेलेक्ट किया होगा, और इसी के दौरान आपके टैग्स वगैरह भी लग जाएंगे, आपकी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होगी आप अच्छी तरह से दे पाएंगे। और इंशाल्लाह आप ये काम करने के बाद मुझे ज़रूर बताना एक हफ्ते के अंदर अंदर। अगर आप भाइयों को अच्छा रिस्पॉन्स ना मिला तो आप भाई मुझे कहना, आप एक हफ़्ता प्रॉपरली वर्क करें और आपकी वीडियोज़ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं गारंटी देता हूँ 1000 से प्लस व्यूज़ ही आएंगे। जो आपकी वीडियोज़ 5-10 व्यूज़ आ रहे हैं ना, इससे ऊपर ही आएंगे इंशाल्लाह। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भाइयों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।